गाइस कैसे हो आप सभी लोग, आप सबका स्वागत है डे 11 ऑफ 30 डेज 30 गेम चैलेंज का। और गाइस आज हम खेलने जा रहे हैं इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D। और गाइजर ये है हमारा मस्सम मेंशन जिसमें हम बहुत टाइम से रह रहे हैं। पर गाइजर इस मेंशन में मैं बहुत टाइम से रह रहे के परेशान हो चुका हूँ। अब मुझे एक नया मेंशन खरीदना है पर उसके चाहिए हमें बहुत सारा पैसा और मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। पर हमारे पास ये बड़ा सा स्विमिंग पूल जरूर है, इसमें स्विमिंग करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। और हमारे पास ये बढ़िया सी बुगाटी भी है जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट चलती है। इस सिटी में ये सबसे ज्यादा फास्ट चलने वाली गाड़ी है जो कि सिर्फ मेरे पास है। तो चलो फटाफट से इसको निकालते हैं बाहर। और गाइजर आज हम कमाने वाले हैं बहुत सारा पैसा ताकि हम एक नया नया घर खरीद सके। तो फटाफट से इस गाड़ी को लेकर निकल लेते हैं। और गाइजर हमें थोड़े तरीके ढूंढने पड़ेंगे पैसे कमाने के। सबसे पहले अपनी बुगाटी को लेकर जाएंगे, इसके ऊपर से खुद आने वाले फुल स्पीड में लेट्स गो लेकर चलते हैं। और ये देखो अगर कोई नॉर्मल गाड़ी होती तो वो ऐसे नहीं जा पाती, पर हमारी खतरनाक सी बुगाटी कुछ भी कर सकती है। फटाफट से इसको बढ़िया लैंडिंग करा लेंगे। और ये बढ़िया लैंडिंग, ये क्या हो गया, मैंने तो अपनी गाड़ी के गेट ही तोड़ दिए। एक तो इसके गेट भी बहुत ही ज्यादा महंगे आते हैं, कम से कम $1 million के गेट्स मुझे इसको रिपेयर करवाना पड़ेगा। तो गाइजर मैं सोच रहा हूँ आज एक प्लेन चुराने का। सुबह सुबह प्लेन चुराने का मजा कुछ अलग ही है। इस प्लेन को चुरा के मैं अगर इसको बेचूंगा तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे। पर उससे पहले मैं अपनी गाड़ी यहाँ पर चेंज करने वाला हूँ। मैं ये लैम्बोर्गिनी लेने वाला हूँ इन अंकल से। हेलो अंकल कैसे हो, फटाफट से अपनी गन निकाल लेते हैं AK-47। चलो अंकल फटाफट से ये गाड़ी मुझे दे दो, ये लो। तो गाइस फटाफट से अंकल को निकालते हैं बाहर और एक खतरनाक सी लैम्बोर्गिनी के अंदर बैठ जाते हैं। लैम्बोर्गिनी के अंदर मैं इसलिए बैठा हूँ ताकि मुझे पहचान ना पाए। अगर मैं अपनी बुगाटी में जाता तो ये मुझे पकड़ लेते। अभी कौन सा प्लेन चुराया जाए, बड़ा सा प्लेन चुराया या फिर वो छोटा वाला? बड़ा वाला महंगा होता है पर उसको चलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो गाइस अब यहाँ पर मुझे किसी का तो कॉल आ रहा है। हेलो, अबे ओ वरुण मेरी बात सुन। हाँ कौन है, क्या हो गया? मुझे पता चला है तू बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है। हाँ मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। अगर तुझे चाहिए बहुत सारे पैसे तो फटाफट से इस एड्रेस पर आ जा, यहाँ पर होने वाला एक खतरनाक सा रैम चैलेंज। इस रैम चैलेंज में अगर तू जीता तो तुझे मिलेंगे $10 million। क्या $10 million? हाँ पूरे के पूरे 10 million। तो जल्दी जल्दी आ जा, टाइम बहुत कम है। हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। तो कहे सर अभी मुझे यहाँ पर फोन आया था, एक खतरनाक सा रैम चैलेंज हो रहा है सिटी के अंदर और अगर हम उसमें जीतते हैं तो हमें मिलेंगे $10 million जिससे मैं अपना नया मेंशन खरीद सकता हूँ। तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। फटाफट से चलते हैं इस खतरनाक सी लैम्बोर्गिनी को लेकर रैम चैलेंज पर और जीतते हैं $10 million। तो गाइजर अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि गाइजर हम जा रहे हैं खतरनाक से चैलेंज पर। और लाइक और सब्सक्राइब करने से बढ़ता है गुड लक बहुत ही ज्यादा। ये कहाँ उड़ गया मैं? तो वरुण तुम्हारा स्वागत है इस खतरनाक से चैलेंज में। इस रैम चैलेंज में अगर तुम जीतते हो तो तुम्हें मिलेंगे $10 million। क्या तुम तैयार हो इस चैलेंज को करने के लिए? तैयार तो मैं हूँ, पर आप हो कहाँ से बोल रहे हो? अरे पीछे स्पीकर लगा हुआ दिखता नहीं क्या? मैं कहाँ से बोल रहा हूँ उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें ये चैलेंज जीतना है कि नहीं? हाँ जीतना है। तो फटाफट से बाइक पर बैठ जाओ और शुरू करो ये चैलेंज। ठीक है काइजर हम बिल्कुल तैयार है इस खतरनाक से चैलेंज को करने के लिए। हमारे सामने एक खतरनाक सा रैंप जिसको अगर हमने कंप्लीट कर दिया तो हमें मिलने वाले हैं $10 million। तो फटाफट से अपनी बाइक को यहाँ से भगाएंगे और यहाँ से खुद आना पड़ेगा और आराम से लैंडिंग करनी है, गिरना नहीं है। ये रैंप बहुत ही ज्यादा खतरनाक है इसलिए तो हमें $10 million मिलने वाले अगर हमने इसको कंप्लीट किया तो। अब यहाँ पर बढ़िया सी लैंडिंग यहाँ पर हो चुकी है, फुल स्पीड में यहाँ पर जाते हैं आराम से हमें नीचे गिरना नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लगा लेते हैं। तो कैसा अभी आप देख सकते हो अभी हम फुल स्पीड में चाहते जा रहे हैं अपनी बाइक को लेकर और हमें यहाँ पर बिल्कुल भी गिरना नहीं है, हमें इस पूरे के पूरे चैलेंज को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। चलो 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 आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं सर यहाँ पर साइड में मुझे कुछ तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये क्या चीज है, हमें यहाँ पर जाना है या फिर नहीं समझ नहीं आ रहा मुझे। अभी फिलहाल तो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होने वाला है। यहाँ से जाएंगे यहाँ पे आराम से साइड में से निकल जाते हैं क्योंकि बीच में मुझे कुछ था नहीं और मैं अगर उसमें चला जाता तो सीधे जाकर नीचे गिर जाता।
अभी यहाँ से फुल स्पीड में जाएंगे। और कैसर अभी ये रैंप यहाँ पर खत्म हो चुका है क्या? और ये खत्म हो गया क्या? मैं $10 million जीत चुका हूँ। और बच्चे चैलेंज तो ऊपर था, नीचे क्यों आ गए? अबे तो पहले बोलने का था ना, मैं फालतू में नीचे आ गया। तो कैसर अभी अपन यहाँ पर नीचे आ चुके, हमें वापस से ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि हमें वहां से ऊपर जाना था। तो फटाफट से यहाँ से ऊपर ले लेते हैं। तो कैसर अभी आप देख सकते हो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। सामने वो पूरा का पूरा रैंप था जहाँ से हम आए थे, और अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर ही पूरा का पूरा चैलेंज कंटिन्यू होने वाला है। यहाँ से अपनी बाइक को खुदा लेते हैं और हमें लैंड करना है इसके ऊपर। आराम से लैंड कर लेंगे। और कैसर अभी तो मैं यहाँ पर नीचे गिर चुका हूँ, मैं वापस कैसे उड़ रहा हूँ? और कैसर अभी आप देख सकते हो हम लोग वापस से यहाँ पर आ चुके हैं एक कार में। अब हमें ये चैलेंज करना पड़ेगा कार के अंदर, क्योंकि कैसर हम वहां पे बाइक पे तो गिर गए थे, वहां पे कुछ दिखाई नहीं, मैं क्या करूं? अभी फटाफट से यहाँ से नीचे चल लेते हैं और इधर से अपनी कार को भी खुदा लेंगे। और ये कहा जा रही है मुझे वापस से नीचे नहीं गिरना, आराम से। और कैसर हमारी तो यहाँ पर पूरी गाड़ी की हालत खराब हो चुकी है, गेट निकल चुका है आगे और पीछे का, पर कोई बात नहीं, गेट से फर्क नहीं पड़ता, जब तक टायर जिंदा है हम इस चैलेंज को कंप्लीट करके रहेंगे, क्योंकि आज मुझे कैसे भी करके वो खतरनाक सा मेंशन खरीदना है $10 million का। फटाफट से यहाँ पे कार को खुदा लेते हैं। यहाँ पर एक और रास्ता जा रहा है, पर अभी हम इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। यहाँ से जाएंगे सीधे अपनी गाड़ी को। एक सेकंड, वहाँ पर रास्ता दिख तो रहा है, मैं इधर से क्यों जा रहा हूँ? फालतू में जंप क्यों करना जब हम यहाँ से जा सकते हैं आराम से। तो फटाफट से लेकर चलते हैं इस गाड़ी को, सीधा जाते जाएंगे और यहाँ पर ब्रेक लगा लेते हैं और अब यहाँ से अपनी गाड़ी को नीचे उतार लेते हैं। मैं कैसे भी करके $10 million तो जीत कर ही रहूंगा इस खतरनाक से रैंप को करके। फटाफट से चलेंगे यहाँ से, ब्रेक लगाएंगे। ये चैलेंज तो धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, पर कोई बात नहीं, $10 million जीतने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो फटाफट से यहाँ से चलेंगे और यहाँ से ऊपर चढ़ जाते हैं आराम से। हमें नीचे नहीं गिरना, अगर मैं नीचे गिरा तो वापस से पूरा का पूरा रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चढ़ जाते हैं ऊपर, और ये क्या, मैं तो अटक गया। चढ़ जा मेरी गाड़ी, अरे इसमें इतनी पावर ही नहीं है क्या? और कैसे अभी आप देख सकते हो हमारी गाड़ी यहाँ पर चढ़ चुकी है फुल पावर के साथ। मैंने यहाँ पर फुल पावर लगा दी थी, अरे यहाँ पर फिर से अटक जाएगी। चल जा, मुझे थोड़ा पीछे से आना पड़ेगा, थोड़ी रेस वेस दे के, ताकि मैं इस पे ऊपर चढ़ सकूं। चढ़ जा, नहीं चढ़ रही। तो कैसर अभी दूसरा रास्ता यूज करके हम लोग आ चुके, क्योंकि वहां पे गाड़ी तो हमारी स्टक हो चुकी थी, तो हम वहां से कुछ कर नहीं सकते थे, पर यहाँ से बढ़िया सा जंप करके हम यहाँ पर लैंड हो चुके हैं। वापस से हम बाइक पर आ चुके कि बाइक ही ज्यादा सही रहेगी। और कैसर सामने देख सकते वो कंटेनर कैसे हिल रहा है, हमें उससे बचते बचाते जाना पड़ेगा। रुक जाओ, थोड़े पहले पीछे कर लेते, यहाँ से हमें स्पीड चाहिए होगी। ये कंटेनर यहाँ से जा चुका है, फटाफट से भगा के खुदा लेते हैं। बच गया, यहाँ पर मैं नीचे गिरने से बच चुका हूँ और यहाँ पे भी आराम से चले जाएंगे, हमें नीचे नहीं गिरना। और यहाँ पर भी चल लेते हैं, यहाँ से फटाफट से अपनी बाइक को लेकर चलते हैं। हमें ये चैलेंज कैसे भी करके फिनिश रहे। और कैसर अभी आप देख सकते हो हम यहाँ पर नीचे गिर चुके हैं, क्योंकि कैसर हमें जाना है उधर सामने और वहां से जंप करना है। तो फटाफट से वहां पर चलकर जंप करते हैं, ताकि इस रैंप को जल्दी से जल्दी हम फिनिश कर सके। अभी फटाफट से यहाँ पर अपनी बाइक को चढ़ा लेते हैं। और कैसर ये जंप यहाँ पर जो होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, तो हमें इस पूरे जंप को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो फटाफट से अपनी बाइक को चढ़ा लेते हैं यहाँ पर ऊपर। जाने दो। और अभी हम ऊपर जाते जा रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। तो कैसर बहुत देर ऊपर चढ़ने के बाद हम फाइनली आ चुके हैं बिल्कुल टॉप पे, और यहाँ से हमें करना है खतरनाक सा जंप। सामने हमारा रैंप बिल्कुल रेडी है, फुल स्पीड में चलेंगे और एक खतरनाक सा जंप हम यहाँ पर करने वाले। 1 2 3 कहाँ जा रहा हूँ मैं, आप देख सकते हो, पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ। मुझे इधर लैंड करने की कोशिश करनी है, बिल्कुल सीधा मरना नहीं है। और ये बढ़िया सी लैंडिंग भी हमने यहाँ पर कर दी है। तो गाइस सर, मैंने यहाँ पर 2 रैंप कंप्लीट कर दिए, उन्होंने बोला है हमें टोटल 3 रैंप कंप्लीट करने पड़ेंगे अगर हम जीतना चाहते हैं $10 million। तो भी आप देख सकते हो हम तीसरे रैंप पर भी यहाँ पर आ चुके हैं, और गाइस इसको भी हम कंप्लीट करने वाले हैं एक खतरनाक जंप से। फुल स्पीड में लेकर जाते हैं अपनी बाइक, और ये तो मैं इधर ही गिर गया, मुझे इधर जंप करवा के पूरा अगले वाले रैंप पर पहुंचाना पड़ेगा। तो फटाफट से वापस से चलते हैं पीछे लेकर, और यहां से भी खुदाएंगे अपनी बाइक को और इस चैलेंज को फिनिश करेंगे। लेट्स गो, फटाफट से चल लेते हैं। तो गाइस सर, अभी हम एक और बार आ चुके हैं इसको चैलेंज को ट्राई करने के लिए। बहुत ही ज्यादा मुश्किल है मुझे $10 million जीतने, प्लीज हो जा इस बार तो हो जा, मैं बहुत ही ज्यादा फास्ट जा रहा हूं। चले जा। अरे फिर से गिर गया, मैं नहीं कर रहा ये।
अरे अंकल मुझे कोई दूसरा चैलेंज कर दो, मैं नहीं करने वाला ये। ओके बेटा अभी लो। बच्चे तुम्हें इस वाली बाइक से ट्राई करना चाहिए, ये है KTM ट्यूब 390 अल्ट्रा प्रो मैक्स। तैयार हो जाओ। ठीक है तो कैसर अभी हमें यहाँ पर एक अगली न्यू बाइक मिल चुकी है और इसमें ट्राई करके देखते हैं क्या इसमें हम इस चैलेंज को कर सकते हैं। फटाफट से पता करते हैं, यहाँ पर अभी अपन बढ़िया सी लैंडिंग हो चुकी है, स्पीड तो सेम उस बुलेट जैसी लग रही है। ये वाली बाइक है जो की हमें सबसे पहले मिली थी जब चैलेंज स्टार्ट हुआ था। तो अगर हमने जंप कम्प्लीट कर दिया तो हमें मिलने वाले $10 million खतरनाक सा मेंशन खरीदने के लिए। चलो फटाफट से चलते फुल स्पीड में इस गाड़ी को भगाते। क्या मैं ये पहुंचा पाएगी उस सर सामने? और ये क्या, इसने तो मुझे पहुंचा दिया। वाह, यहाँ पर आके मैं गिर गया पर कोई बात नहीं, इसने हमें यहाँ पर पहुंचा दिया है। बहुत बढ़िया बच्चे, तुम तो अमीर हो चुके हो, $10 million तुम्हें मिलते हैं। और कैसर फाइनली आप देख सकते हो हमें यहाँ पर $10 million मिल चुके हैं। मेरे बैंक अकाउंट में $10 million आ चुके हैं, अभी आपको दिखाता हूँ। तो कैसर हमारे पास यहाँ पर $10 million तो आ चुके हैं और अब बारी भी आ चुकी है नया नया घर मेंशन खरीदने की। तो कैसर मैंने आपको बोला था कि मैं $10 million का मेंशन लेने वाला हूँ, पर कैसर मैंने उससे भी खतरनाक सी चीज यहाँ पर ले ली है। ये खतरनाक सा खुद का प्राइवेट बीच मैंने यहाँ पर खरीद लिया है अपने लिए, एक नया नया प्राइवेट बीच। मैंने सोचा मेंशन में रहूंगा तो मैं अकेला ही, तो फिर पूरा का पूरा मेंशन क्यों लिया जाए। और मैंने यहाँ पर एक नई लैम्बोर्गिनी भी खरीद ली है। आप देख सकते हो हमारा बीच कितना ज्यादा बढ़िया है, पानी में जाकर हम कर सकते हैं फुल मजे, और हमारी लैम्बोर्गिनी भी बिल्कुल पानी प्रूफ है। पानी में जाने से इसको कुछ भी नहीं होता, पानी में भी ये बढ़िया सी चलती है। क्योंकि कैसर इस लैम्बोर्गिनी का प्राइस था $5 million और बाकी के $5 million मैंने खर्च कर दिए इस बीच पर। तो फटाफट से कमेंट करके बताओ कैसा लगा हमारा आपको बीच और ये बढ़िया सी लैम्बोर्गिनी भी कैसी लगी। तो इसी के साथ हमने अपने $10 million यहाँ पर खर्च कर दिए। तो कैसर ये था हमारा Day 11 और 30 days 30 game चैलेंज का। आज आ गया बहुत ही ज्यादा मजा, अगला गेम हम कौन सा खेले फटाफट से कमेंट करके बता देना। और कैसर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हम मिलेंगे आपसे अगले गेम में। तब तक के लिए बाय बाय।